तो नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ऑफर लेटिस हमारा कुछ ऐसे अरेंजमेंट होती है इसकी ठीक है तो हमें फर्स्ट नीरेस जाना है फर्स्ट नीरे जा सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अब स्क्योर लेटेस है तो सिर्फ टू डायमेंशन में होगा तो हमारे पास इसको हमने ए वैक्टर और इसको बी वैक्टर मान लिया ठीक है अब स्क्योर है तो यहाँ से यहाँ भी ए मान लिया यहाँ से यहाँ भी ए तो ए वैक्टर क्या हो जाएगा ए आई कैप और B वेक्टर क्या हो जाएगा A J कैप ठीक है अब यहाँ पे A स्टार क्या होगा टू पाई B क्रॉस C बाय A डॉट B क्रॉस C ठीक है यही होगा बट यहाँ पे अब हमें C लेट करना होगा बट ये है 2D में ठीक है तो आप C कुछ भी मान लो ठीक है तो C को हम मान लेते हैं A के क्या ठीक है आप सी को कुछ भी मान लो क्योंकि वो एट द एंड क्या होना है कैंसिल हो जाना है ठीक है वो एंड में कैंसिल हो जाएगा फैक्टर ये आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा अगर आपने ए भी नहीं मानना इसको आप सी भी मान सकते हो सी के कैप कुछ भी मान सकते हो बिल्कुल सिंपलेस्ट यही होता है तो आपने यही मानना है ठीक है यहाँ पे आई प्लस जे मत मान लेना क्योंकि के ठीक है के आप लोगे तो सबसे सिंपलेस्ट ये ये लोगे अगर आप आई प्लस के ले लेके चल जाओगे तो वो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी तो सिंपल से सिंपलेस्ट क्या मानोगे आप सी के कैप अब हमारे पास बी क्रॉस सी क्या होगा B क्रॉस C होगा A J कैप क्रॉस C K कैप तो ये A C J क्रॉस K I कैप हो जाएगा फिर A डॉट B क्रॉस C क्या होगा ए डॉट मीन्स ए आई कैप डॉट ए सी आई कैप आई कैप आई कैप वन हो जाएगा तो ए स्क्र सी तो यहाँ से टू पाई बी क्रॉस सी की वैल्यू ए सी आई कैप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू ए स्क्र सी सी के साथ सी कैंसिल ये कैंसिल तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया ये टू पाई बाई ए ठीक है आई कैप तो ए स्टार ये आ गया है तो ए स्टार क्या आया है टू पाई बाई ए आई कैप ठीक है मैंने बोला था कि c की वैल्यू किसी में भी नहीं आएगी ठीक है तो ये I भी नहीं है अब उसके बाद हम निकालते हैं b star. तो b स्टार क्या होगा टू पाई c क्रॉस a डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c ठीक है तो c क्रॉस a क्या होगा c की वैल्यू c के कैप क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू ए के साथ सी कैंसल ए के ए के साथ ए के कैंसल तो टू पाई बाई ए जे कैप आ गया तो बीस स्टार की वैल्यू क्या आ गई टू पाई बाई ए जी क्या आप देखोगे यहाँ पे ए है यहाँ पे वन बाय ए है तो रेसिप्रोकल हुआ है और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई है जे है तो यहाँ पे भी जे है सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो टू डी में बात कर रहे हैं तो ए बी निकालना है तो ए स्टार बी स्टार ही निकालने हैं ठीक है सी स्टार निकालने की जरूरत नहीं है तो इसका स्क्वायर लैटिस का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा एक स्क्वायर लैटिस ही आ जाएगा ठीक है रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस इज लैटिस ठीक है अब उसके बाद हम करते हैं अगर रेक्टेंगुलर के लिए अगर हम देखें ठीक है रेक्टेंगुलर के लिए रेसिप्रोकल लैटिस देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑफ रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर के लिए अब ये A और ए A सेम नहीं होंगे ठीक है ये ए और ए सेम नहीं होंगे अगर आपने इसको ए माना है तो इसको क्या मान लोगे b बी मान लोगे ठीक है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे ठीक है अब ए वेक्टर क्या हो जाएगा टू ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ए आई कैप क्योंकि यहाँ से यहाँ ए लेंथ है आई कैप की डायरेक्शन में है बी वेक्टर क्या हो जाएगा बी है लेंथ और जे कैप अब ये फिर से ये 2d में है सी को हम क्या मान लेते हैं सी के कैप अब निकालना है ए स्टार ए स्टार क्या होगा 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी ठीक है तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बी की वैल्यू बी जे कैप क्रॉस सी के कैप बीसी जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप ठीक है तो हमारे पास अब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा ए की वैल्यू ए आई कैप डॉट बी सी आई कैप आई डॉट आई वन ए बी सी ठीक है तो यहां से अब टू पाई बी क्रॉस की वैल्यू बी सी आई कैप डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस की वैल्यू ए बी सी बीसी बीसी कैंसल तो टू पाई बाय ए आई कैप आ गया ठीक है तो यहां से स्टार की क्या वैल्यू आ गई टू पाई बाय ए आई कैप अब सिमिलरली हम निकालते हैं किसकी वैल्यू बी स्टार की वैल्यू बी स्टार क्या होगा टू पाई सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी ठीक है तो सी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा C की वैल्यू C K कैप क्रॉस A की वैल्यू A I कैप ठीक है C की वैल्यू C K और A की वैल्यू A I कैप तो यहाँ से C A K क्रॉस I क्या हो जाएगा जे यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं टू पाई C क्रॉस A की वैल्यू C A J कैप A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू है A B C ए के साथ ए कैंसिल सी के साथ सी कैंसिल तो कितना आ जाएगा टू पाई बी कैप ठीक है तो बी स्टार की क्या वैल्यू आ गई पाई ठीक है स्टार निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन की तो यहाँ पे देखोगे ए का रेसिप्रोकल प्रोकल वन बाई ए बी रेसिप्रोकल वन बाय बी ये आई कैप में है तो ये भी आई कैप में है ये जे कैप में है तो ये भी जे कैप में है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेक्टेंगुलर लैटिस रेसिप्रोकल ऑफ रेक्टेंगुलर लैटिस इज रेक्टेंगुलर ठीक है बस सिर्फ यहाँ पे साइड्स का फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे ए है यहाँ पे कितनी आ गई है एज लेंथ टू पाई बाई ए ठीक है तो इसका ध्यान रखना है तो हमने जो अब तक किया है वो क्या क्या किया है सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल क्या आया है सिंपल क्यूबिक बी का क्या आया है एफ आया है और एफ का क्या आया है बी आया है ठीक है और स्केयर का स्केयर आया है और रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर आया है और रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर आया है ठीक है